ढल जाती वो शाम जिंदगी, गर नहीं आती वो सामने रक्तवीर। भारतीय संस्कृति में दान को जीवन का सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया गया है। ऐसा दान जिससे किसी का जीवन बच जाए, उसे सबसे बड़ा दान कहना गलत नहीं होगा। इसीलिए रक्तदान को जीवन का सबसे बड़ा दान कहा गया है। रक्तदान महादान, और जो रक्त दे वो रक्तवीर। रक्त की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रक्तदाताओं के सुरक्षित रक्त को दान करने के लिए एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाने की शुरुआत की गई। विश्व रक्तदान दिवस सबसे पहली बार वर्ष 2004 में मनाया गया। 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाने के पीछे कारण ये है कि इसी दिन ब्लड ग्रुप्स के बारे में दुनिया को जानकारी देने वाले मशहूर साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था। दुनिया भर में रक्त की कमी से काफी लोगों की जान जाती है। ब्लड की आवश्यकता ब्लड बैंकों को हमेशा रहती है। ब्लड को सुरक्षित और ब्लड के अन्य अवयवों का संग्रह करने के लिए अस्पतालों में ब्लड बैंक की स्थापना की गई। हमारा ये जो ब्लड बैंक है ये 1997 में इस चिकित्सालय में स्थापित किया गया, और उस समय हम लोग जो हमारे पास टीम थी उस होल ब्लड देती थी, पूरा ब्लड निकाल के पूरा का पूरा ब्लड हम लोग देते थे। लेकिन बाद में कंपोनेंट्स को अलग करने की बात आई तो सन 2011 में हमारे यहाँ कंपोनेंट यूनिट इंस्टॉल की गई, और अब हम एक यूनिट ब्लड से तीन पार्ट निकालते हैं, प्लाज्मा का, प्लेटलेट का और पैक्ड सेल जो है ये निकालते हैं। तो एक 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 यूनिट खून हमारे पास आता है, उससे हम लोग तीन अलग अलग मरीजों की सहायता कर सकते हैं। इस वैश्विक महामारी में भी रक्त की जरूरत महसूस की गई। भारत ने भी रक्त की कमी को दूर करने के लिए रक्तदान को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ है 18 से लेकर के 60 साल की उम्र तक रक्तदान कर सकता है ये, और एक रक्तदान के बाद अगला रक्तदान करने के बीच में कम से कम 3 महीने का समय आवश्यक है ये। रक्तदान छोटा सा 15-20 मिनट का प्रोसीजर होता है ये। पहले आप आएंगे, अपना रक्तदान करने का एक कंसेंट फॉर्म को आप भरते हैं, आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है, आपका हीमोग्लोबिन चेक होता है ये, और करीब 15 मिनट का प्रोसीजर होता है जिसमें आप ब्लड डोनेशन करते हैं। समाज में रक्तदान को लेकर काफी भ्रांतियां भी प्रचलित हैं, जिसके कारण लोग रक्तदान को आगे नहीं आ पाते, जबकि रक्तदान करने से हम किसी का जीवन तो बचा ही सकते हैं, साथ ही इससे हमारे शरीर को भी फायदा पहुंचता है। अक्सर लोग ब्लड डोनेशन के नाम से डर जाते हैं। अगर किसी का मरीज भर्ती होता है, उसे ये कहा जाए साहब ब्लड देना पड़ेगा, तो ज्यादातर लोग भाग जाते हैं। वो डर इसलिए उनको लगता है कि शायद हमारा ब्लड ले लेंगे और हमारा ब्लड पतला हो जाएगा, और हम अगर ब्लड देंगे तो हमको कई बीमारियां हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लोग ब्लड देते हैं किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, और 72 घंटे के अंदर जितना भी ब्लड देते हैं वो बन जाता है, और ब्लड जब देते हैं वो इतनी सेफ एंड सिक्योर उससे लिया जाता है कि इन्फेक्शन का कोई भी चांस नहीं होता है। भारत की आबादी को देखते हुए एवं विभिन्न रोगों में रक्त की मांग के सापेक्ष अधिक रक्तदान की आवश्यकता है। ऐसे में इंसानियत और मानवता का परिचय देते हुए कई रक्तवीर रक्तदान को आगे आए हैं। आज से कुछ साल पहले मैंने बनारसी पेज बनाया था, जिसका स्टार्टिंग में मोटो ये था कि बनारस में क्या घूमने के लिए है, क्या खाने के लिए है और क्या प्रसिद्ध है, इन सब चीज़ों को मैं दर्शाता था। फिर सडन से ही एक रक्तदान को लेकर के कॉल आया कि एक सज्जन जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जिन्हें ब्लड की सख्त आवश्यकता है, इस पोस्ट को मैंने बनारसी पेज पे पोस्ट किया
उस पोस्ट को देख करके बनारसी परिवार के सदस्य अमित सिंह जी जो आजमगढ़ से बाइक चला करके बनारस आए रक्तदान किए, और इनकी रक्तदान की इच्छा और जागरूकता को देखते हुए मैं प्रभावित हुआ और रक्तदान के क्षेत्र में लोगों की मदद करने के लिए आगे आया, और उसके माध्यम से हम लोगों ने लगातार मदद करना चालू किया और कारोबार दिन पर दिन बढ़ता गया। और हम लोग बिना किसी को कॉल किए रक्तदान कराते हैं और लोगों की मदद का पूरा प्रयास करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए रक्तदाता एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जरूरत के समय रक्तदाता स्वैच्छिक रक्तदान को आगे आ रहे हैं, मरीज को बिना जाने रक्तदान कर रहे हैं। ऐसी समाज सेवा से लोगों के दिलों में उतर रहे हैं। आपके शरीर का रक्त अगर एक बार निकल एक रक्त का यूनिट निकलता है तो उससे 3 लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। और ये समाज एक बैंक जैसा है, इससे सिर्फ लीजिए मत, इसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन अपनी सहभागिता भी सुनिश्चित कीजिए और रक्तदान करते रहिए। मैंने स्वयं अपनी ज़िंदगी में अभी तक 68 बार रक्तदान किया है और मुझे किसी भी प्रकार से कोई भी कमी नहीं महसूस हुई। उलट इसके उलट मुझे सिर्फ प्रसन्नता ही प्राप्त होती है इसके लिए कि किसी की ज़िंदगी मेरे द्वारा बचती है। मेरे पिताजी एक्चुअली में कैंसर हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनको काफ़ी रेयर ग्रुप ओ निगेटिव, जैसे सब जानते हैं कि ओ निगेटिव बहुत रेयर है, कहीं से वो ब्लड मिल नहीं रहा था। फैमिली वालों ने सबने मना किया, लेकिन रोहित भैया ने एक रोहित भैया के फेसबुक के माध्यम से, वो मेरे लिए अननोन थे और उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। मेरा बच्चा पैदा होते ही NICU में था काफ़ी दिनों तक और SDP की रिक्वायरमेंट उसको थी। SDP मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन बनारसी इश्क पेज के माध्यम से मेरा संपर्क हुआ और कम से कम 5 बार SDP मुझे उपलब्ध कराया गया। मानवता का मूल मंत्र है मनुष्य की सेवा। इसी भावना के साथ पिछले कई वर्षों से रक्तदान के क्षेत्र में कार्य कर रहे सौरभ मौर्य ने अपनी संस्था के द्वारा संपूर्ण भारत में संगठनात्मक तरीके से स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के साथ अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे सौरभ सेंचुरियन ब्लड डोनर हैं। मैंने अभी तक अपने लाइफ में करीब 2007 से व्यक्तिगत तौर पर 109 बार रक्तदान किया है, जिसमें से 65 बार मैंने प्लेटलेट डोनेशन किया है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में एफरेसिस बोलते हैं, और 44 बार होल ब्लड डोनेशन किया है। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो उस समय मेरे साथ सिर्फ 1-2 लोग थे, और आज मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ कि आज मेरे पास 4.5 लाख डोनर्स की टीम है पूरे इंडिया में। बहुत सारी कॉल्स आती है, बहुत सारी फ़ोन आती है ब्लड की ज़रूरत है, लेकिन कोई इस तरीके से कॉल करके नहीं पहले बोलता था कि मुझे भी ब्लड डोनेट करना है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज बहुत लोग मुझसे और मेरी टीम से इंस्पायर होकर के अब लोग ये कॉल करके बोलते हैं कि मुझे भी ब्लड डोनेट करना है, और ये चेंज पूरे इंडिया में दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसे भी रक्तदाता हैं जो प्रेरणा स्रोत हैं। ब्लड में प्लेटलेट्स के महत्व को देखते हुए वो अनेक बार प्लेटलेट्स डोनेट कर चुके हैं। मैंने अभी तक 10 बार प्रेरित होकर लोगों से प्लेटलेट डोनेट किया है और ये प्लेटलेट जरूर डोनेट करना चाहिए। रक्तदान महादान को चरितार्थ करते हुए ये प्रेरणादायी रक्तदाता लोगों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, साथ ही निरंतर रक्तदान कर एक नजीर पेश कर रहे हैं। मौका दीजिए अपने खून को किसी के रगों में बहने का, ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। अगर मृत्यु के पश्चात आप जिंदा रहना चाहते हैं तो रक्तदान कीजिए।